માં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે અંધેરી વિસ્તારમાં બ્રિજનો ભાગ ધરાશાય થવાની ઘટના બની છે। એસપી રોડ પર આ ઘટના છે। ગોખલે બ્રિજનો ભાગ ધરાશાય થયો છે। રેલવે ટ્રેક પર બ્રિજનો ભાગ પડ્યો છે। તો હાલમાં ભારે વરસાદના કારણે પહેલેથી જ મુંબઈ દરાજ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। ત્યાં ભારે વરસાદને લઈને ક્યાંક દિવાલ ધરાશાય થવાની ઘટના બની રહી છે। તો હવે જે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે મુજબ જે ભાગ છે બ્રિજનો તે ભાગ ધરાશાય થયો છે। तो अंधेरी विस्तार में घटना बनी। ब्रिज नो भाग धराशाय थयो हतो। एसपी रोड पर आ घटना छे ज्यां गोखले ब्रिज नो भाग धराशाय थयो। अंधेरी में फूटओवर ब्रिज नो आ भाग धराशाय थवानी घटना बनी छे। फूटओवर ब्रिज नो स्लेब धराशाय थयो हतो। तो भारे वरसाद ना कारणे आ प्रकारनी घटनाओ पण सामे आवी रही छे। मुंबई में जे परिस्थिति छे ते विकट बनी रही छे। भारे वरसाद ना कारणे जनजीवन खुरवाई रह्यु छे। फूटओवर ब्रिज नो स्लेब धराशाय थवानी घटनानी माहिती जाणवा मळी रही छे। હાલમાં જે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે મુંબઈથી ભારે વરસાદના કારણે અંધેરી વિસ્તારમાં આવેલો બ્રિજનો ભાગ ધરાશાય થવાની ઘટના બની છે। તો એસપી રોડ પર આ દુર્ઘટના સર્જાઈ ગોખલે બ્રિજનો ભાગ ધરાશાય થયો છે। માહિતી આપશે સંવાદદાતા પ્રશાંત। પ્રશાંત, અભી જો બ્રિજ કા સ્લેબ ટૂટને કી ઘટના સામને આ રહી, ક્યા જ્યાદા જાણકારી ઇસ બારે મેં? जितिन सिंह, देखिए अभी जब 9 बजे के आसपास ईटीवी गुजराती लाइव पे था तो उस वक्त मैंने ये जानकारी दी कि मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई के अंधेरी इलाके में जो वीआईपी इलाका माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, वहां पर एसबी रोड पर गोखले ब्रिज था जो अचानक से उसके हिस्से जो है ट्रैक पर गिर गया है। ट्रैक पर गिरने की वजह से जो पश्चिम रेलवे की सेवा है वो पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। अब तब तक वो सेवा बहाल नहीं होगी जब तक पूरी तरह से ट्रैक से उस मलबे को हटा ना लिया जाए। बहरहाल दमकल विभाग के कर्मचारी मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं और साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं मौके वारदात पर है, रेलवे पुलिस के जो कर्मचारी हैं मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि राहत बचाव का काम, यानी वहां पर अगर किसी को चोट लगी तो उसे अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और नहीं तो जो मलबा ट्रैक के बीचों बीच गिरा है उसे हटाया जाए ताकि रेलवे सेवा जो है बहाल की जाए, क्योंकि लाइफ लाइन मुंबई की लोकल ट्रेन कही जाती है और पश्चिम रेलवे सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। तकरीबन रोजाना 10 लाख की संख्या में लोग जो है इस लोकल से सफर करते हैं अपने दफ्तर, अपने स्कूल, अपने कामकाज के स्थान पर पहुंचने के लिए। तो बहरहाल अभी ताजा जानकारी जो मैंने आपको बताई, हालांकि ये हादसा अब से आधे घंटे पहले का है जब ये ब्रिज का हिस्सा जो है ट्रैक पर गिरा और जिसके चलते यातायात पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि जो मलबा जो है ट्रैक पर गिरा है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि एक बार फिर से यातायात सही समय पर चल सके। बिल्कुल सर। प्रशांत, साथ ही में बात की जाए जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है भारी बारिश को लेकर, अभी भी भारी बारिश होने की जो संभावनाएं है, इसके लिए तंत्र कितना सज्ज, प्रशासन कितना सज्ज है? देखिए, अगर प्रशासन और बारिश को एक तराजू में रखकर तोड़ा जाए तो पलरा जो है हमेशा हमने देखा है वो बारिश का ही भारी नजर आया है, क्योंकि प्रशासन हर बार जो है वादे तो करती है, हिसाब किताब दे देती है और जो कामकाज है उसकी एक लंबी चिट्ठी, एक लंबा पेपर, एक लंबी फेरिस जो है तैयार करके पेश किया जाता है, लेकिन उन सभी फेरिस में अगर देखा जाए तो बारिश का आना उन सभी फेरिस का फेल होना, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही तस्वीर आज भी हमें मुंबई और मुंबई के आसपास जो इलाके वहां देखने को मिल रहा है। थाने में मैं आपको बताऊं कि सवेरे बड़ा हादसा हुआ, एक दीवाल गिरी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई तो 3 लोग घायल हो गए और अंधेरी में उसके कुछ समय बाद जो ब्रिज है उसके हिस्से जो है ट्रैक पर गिर जाते हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो फेल है। मुंबई करो तो बिल्कुल पता है कि जब भी बारिश मुंबई में आती है तो उनके लिए ये आफत वाली बारिश होगी और खुद सावधान हो जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकलना और खुद सुरक्षित नहीं समझते। तो बहरहाल आज प्रशांत, इस तरह की जो स्थिति है क्या स्कूल कॉलेज की छुट्टियां दी जाएगी क्योंकि भारी बारिश हो रही है और साथ ही में इस तरह की दुर्घटनाएं? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कॉल या कोई फैसला जो है नहीं लिया गया है। इंतजार किया जा रहा है कि शायद एक बार बारिश रुक जाए, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत हुई है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो सुबह में होते हैं और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो आफ्टरनून में होते हैं। कोशिश की जा रही है कि एक बार अगर मौसम ठीक होता है, बारिश रुकती है, तो जो जल जमाव की स्थिति है वो गठरों के जरिए, नालों के जरिए पाइप लगाकर बाहर निकाला जाए और स्थिति जो है कंट्रोल किया जाए, लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का फैसला स्कूल कॉलेज दफ्तरों को लेकर नहीं किया गया है। कोशिश की जा रही है, उनके लोग जरूर सड़कों पर मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी उनके हाथ बंधे हुए ऐसी परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि जो गटर है सड़कों पर, जिस तरह से मैंने तस्वीर कुछ समय पहले दिखाई थी, उस गटर से खुद पानी बाहर आ रहा है, ना कि पानी गटर में जा रहा है।
तो ऐसी ऐसी तस्वीरें मुंबई में देखने को मिल रही है इस मानसून के चलते। बहरहाल इंतजार करना होगा कुछ समय के बाद, देखना होगा प्रशासन की तरफ से इस आफत की बारिश से निपटने के लिए क्या कुछ ठोस कदम। जी 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 धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आफत ने वरसाद गणी शकाय मुंबई गराव में है, कारण के भारे वरसाद ने कारण ठेर ठेर दीवाल धराशायी थवानी घटना, तो आ तरफ ब्रिज धराशायी थवानी घटना बनी है, फूटब्रिज धराशायी थयो छे, जेना कारण जे जनजीवन ने असर पहुंची रही है।